पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में बीजेपी विधायक की मौत, 5 जवान शहीद। नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं के भाषा में दिया जाए, छत्तीसगढ़ सीएम। कांग्रेस की बोली और गोली का असर दिखने लगा है। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में बीजेपी विधायक की मौत, 5 जवान भी शहीद। लोकसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले दंतेवाड़ा मंगलवार को नक्सलियों ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें मंडावी की मौत हो गई है और 5 जवान शहीद हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के DIG सुंदरराज पी के अनुसार हमला IED ब्लास्ट से किया गया। बतौर रिपोर्ट, कुछ जवानों का अपहरण भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में मारे गए बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और शहीद हुए 5 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। मोदी ने कहा कि मंडावी बीजेपी के जुझारू कार्यकर्ता थे और उन्होंने मेहनत व साहस के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए। छत्तीसगढ़ सीएम। दंतेवाड़ा जिला में मंगलवार को नक्सलियों द्वारा किए गए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए। बघेल ने कहा, हमारी सरकार आदिवासी लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे हताश होकर नक्सलियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। कांग्रेस की बोली और गोली का असर दिखने लगा। नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को हुए नक्सली हमले को लेकर कहा, कांग्रेस की बोली और गोली का असर दिखने लगा है। नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को हुए नक्सली हमले को लेकर कहा, कांग्रेस की बोली और गोली का असर दिखने लगा है। सिंह ने कहा कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे बात की थी। गौरतलब है कि इस हमले में विधायक भीमा मंडावी मारे गए थे। तो MNS न्यूज लाइक की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।